प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो कभी मानवता के लिए अज्ञात थी, पर फिर प्रकाश की गति से एक सदी तक यात्रा करने के बाद धरतीवासी की पहली खेप यहां पहुंची, जो एक नई शुरुआत की तलाश में अपनी मरती हुई पृथ्वी को पीछे छोड़कर आए थे। और आज उन्हें यहां एक दशक से अधिक समय हो गया है, और इस बीच उन्होंने इस एलियन दुनिया को उस चीज के प्रतिबिंब में बदल दिया है जो कभी पृथ्वी थी। नीला आसमान, हरी भरी घाटियां और अलग अलग जीवों की गूंज। लेकिन यह उनके लिए सिर्फ एक नया घर नहीं था, यह मानव विकास में लगाई गई अब तक की सबसे लंबी छलांग थी। यह मानव द्वारा विकसित तकनीक का एक ऐसा चरम बिंदु था जहां से अब कोई भी अंतर ब्रह्मांडीय यात्रा असंभव नहीं लग रही थी। वर्महोल्स, जो कभी एक सैद्धांतिक अवधारणा थी, प्रोक्सिमा वासियों ने इसे एक वास्तविकता का रूप दे दिया था। परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में मौजूद इन शॉर्ट कट्स के माध्यम से प्रकाश वर्ष से भी तेजी से यात्रा करने के द्वार खुल गए थे, जिससे न सिर्फ ब्रह्मांड की विशाल दूरियां नग्न दूरियों में तब्दील हो गई थी, साथ ही प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के लोग हर तरह से अपने पृथ्वी आधारित पूर्वजों से आगे निकल गए थे, और वो भी सिवाय एक के। यह वह बालक था जो अब तक अपनी उत्पत्ति को भूल नहीं पाया था। कई लोगों के लिए पृथ्वी एक दूर की याद थी, एक कहानी जो पुरानी पीढ़ियों ने बताई थी जिन्होंने यात्रा की थी, पर इस लड़के के लिए पृथ्वी सिर्फ एक याद से कई गुना बढ़कर थी। उसके लिए यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए वह दृढ़ था। उसके अंदर उत्सुकता की वो बाढ़ थी जो हर रोज उसके दिन में उफान मारा करती थी और उसे पृथ्वी पर जाने के लिए बेबस करती थी। हर सुबह जब वह बालक अपने घर की छत से टेलीस्कोप लगा के पृथ्वी की तरफ देखा करता था, तो उसके जहन में बस एक ही तीव्र इच्छा हुआ करती थी कि काश वो उस दूर गम्य गोले की एक बार यात्रा कर सकता और देख पाता कि आखिर उसके पूर्वजों की पृथ्वी यहाँ की दुनिया से किस प्रकार अलग दिखती थी। उसके दिमाग में हमेशा उसके पिता द्वारा बयां की गई खूबसूरत पृथ्वी की तस्वीर हमेशा घूमती रहती थी। उस पर पृथ्वी का दीदार करने का फितूर इस तरह चढ़ा था कि उसने बड़े होकर अभी से ही एस्ट्रोनॉट बनने का दृढ़ फैसला ले लिया था, और उसके इसी फितूर ने एक दिन उसके लिए इस सपने को पूरा कर दिया। पर आखिर वो बालक धरती तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? और जहां जाने के सपने वो अक्सर देखा करता था, वहां पहुंचने के बाद उसे अफसोस क्यों हुआ? स्वागत है आपका टीएस ज्ञान द्वारा पेश एक और शानदार डॉक्यूमेंट्री में, जहां उस अद्भुत यात्रा के साक्षी बनने वाले हैं जिसका सपना एक अबोध बालक ने अपने बचपन से देखा था। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर मानवता के आगमन के बाद से इस एक्सोप्लैनेट पर उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, और आज यह एक उन्नत तकनीक और वातावरण के साथ पृथ्वी जैसा ही एक संपन्न नया घर बन गया है। पिछले दशकों में तकनीकी प्रगति ने प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को मानव उपलब्धि के मामले में सबसे आगे ला दिया है। शहरों में अब मैग्नेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और आत्मनिर्भर ऊर्जा ग्रिड का एक नेटवर्क है जो जियोथर्मल और सोलर एनर्जी के मिश्रण से संचालित होता है।
तकनीकों की बदौलत इस ग्रह की जलवायु को पृथ्वी के टेम्परेचर जोन की नकल करने के लिए सावधानी पूर्वक इंजीनियरिंग किया गया है और वायुमंडलीय जनरेटर पूरे साल एक स्थिर आरामदायक सीमा के भीतर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यहाँ दिन और रात का चक्र पृथ्वी की तुलना में थोड़ा लंबा होता है, जिसमें प्रत्येक चक्कर लगभग 28 घंटे तक चलता है। वहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 1.2 गुना अधिक है, जो बुनियादी ढांचे और दैनिक जीवन के डिजाइन को प्रभावित करता है। इस वजह से यहाँ के इमारतों और परिवहन प्रणालियों को विशेष रूप से इस बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण बल को समायोजित करने के लिए इंजीनियर किया गया है। जबकि यहाँ रह रहे लोगों ने इस सूक्ष्म परिवर्तन के लिए खुद को काफी समय तक रहकर अनुकूलित किया है। पिछले कुछ दशक में यहाँ दुर्लभ खनिजों और तत्वों की खोज ने सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में और प्रगति की है और प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के समृद्ध खनिज भंडार ने नए मिश्र धातुओं और कंपोजिट के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन दोनों की स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी बढ़ी है। वहीं धरती जैसे हालात इस ग्रह पर भी उत्पन्न न हो, इसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए खनन कार्यों को सावधानी पूर्वक प्रबंधित किया गया है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि खनिजों की निकासी इस ग्रह के संप्रभुता को खतरे में तो नहीं डाल रही है और इस प्रकार इस उन्नत पृथ्वी पर आज एक बड़ी जनसंख्या धीरे धीरे पांव प्रसार रही है और अपने भविष्य की चिंता में लीन है। पर यहां यह बालक ऐसा भी है जो अपने भविष्य से ज्यादा अपने अतीत को याद करने में मशगूल है। लियो, जो कि एक महान शख्स है, उसके ही पिता के छाया में बड़ा हुआ है। लियो के पिता डॉक्टर आरोन रॉस उन प्रतिभाशाली दिमागों में से एक थे जिन्होंने पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक की यात्रा की थी। पृथ्वी के बारे में आरोन की कहानियां सिर्फ सोने से पहले की कहानियां नहीं थी, वे चमत्कारों से भरी दुनिया की ज्वलंत कहानियां थी जो लियो को पौराणिक लगती थी। जिस तरह से लियो के पिता ने पृथ्वी के परिदृश्यों का वर्णन किया, देवदार के जंगलों की खुशबू, समुद्र की लहरों की गड़गड़ाहट, बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा, उसने लियो में एक ऐसी उत्सुकता जगा दी थी जिसे कोई और कहानी संतुष्ट नहीं कर सकती थी। आरोन अक्सर पृथ्वी के बारे में अपनी पुरानी यादों और घटनाओं की बातें किया करते थे, यह जानते हुए भी कि अब वो ग्रह रहने योग्य नहीं था। लियो अपने पिता के बगल में बैठा रहता था और पृथ्वी की कहानियां सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती थी, जबकि आरोन अपने शब्दों से पृथ्वी के समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृतियों और प्रकृति की सुंदरता के बारे में बात किया करते थे, जो कि इस ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर किसी भी चीज से बेजोड़ थी। और इसी वजह से ये कहानियां लियो के लिए सिर्फ यादें नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया के वादे जैसी थी जिसे फिर से खोजा जाना चाहिए था। दरअसल धरती से प्रोक्सिमा सेंटोरी पर यात्रा के दौरान ही लियो की मां का निधन हो गया था और आरोन ने उसे अकेले ही प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर पाला था। जैसे जैसे साल बीतते गए, आरोन की तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार वह भी मर गया, जिससे लियो को खालीपन का एहसास हुआ और उसके अंदर उसके पिता द्वारा वर्णित दुनिया को देखने की लालसा गहरी होती गई और एक समय पर उसने खुद से वादा किया कि वह एक दिन पृथ्वी पर वापस यात्रा जरूर करेगा और यह यात्रा न केवल वह अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए करेगा,
बल्कि यह उसके पिता की याद का सम्मान करने के लिए भी होगा। जैसे जैसे लियो बड़ा होता गया, उसका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। उसने अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल की और बड़ा होकर वह एडवांस स्पेस प्रोग्राम में शामिल हो गया, जहां उसने पृथ्वी पर वापस यात्रा की तैयारी करते हुए कठोर परीक्षण लिया। और अब बारी थी पृथ्वी के यात्रा पर निकलने की। दरअसल प्रोक्सिमा सेंटोरी पर रहकर वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए वर्म होल से एक ऐसी सफलता थी जिसने अंतर ब्रह्मांडीय यात्रा में एक क्रांति लाकर रख दिया था। यह ब्रह्मांडीय शॉर्टकट दूरी के आधार पर तारा प्रणालियों के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय को घटाकर मात्र कुछ घंटे या दिन कर सकते थे। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि पृथ्वी की यात्रा जोखिम रहित नहीं थी। वर्म होल की खोज भले ही हो चुकी थी, पर वास्तव में इसकी यात्रा करते वक्त कई जानलेवा परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ सकता था और इसमें हमेशा कुछ गलत होने की संभावनाएं रह सकती थी। हालांकि लियो अडिक था, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार था और इसलिए लियो के अनुसार यह मिशन तय हो गया था। और उसके नेतृत्व में खोजकर्ताओं की एक टीम वर्म होल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस यात्रा के लिए उड़ान भरने वाली थी। यह यात्रा जो कभी एक सदी लेती थी, यह अब केवल कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी। लेकिन टाइम डायलेशन एक ऐसा कारक था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भले ही लियो और उनकी टीम के लिए यह यात्रा छोटी हो सकती है, पर पृथ्वी पर इस बीच सदियों बीत सकते हैं और यह एक ऐसी वास्तविकता थी जिसे उन्हें हर हाल में स्वीकार करना ही था। जब टीम प्रस्थान के लिए तैयार हुई तो लियो को उत्साह और चिंता दोनों ही भावनाएं एक साथ महसूस हुई। उसने अपने पूरे जीवन में इस पल के लिए प्रशिक्षण लिया था, लेकिन अब यह आखिरकार सच होने जा रहा था। वर्म होल उनके सामने मंडरा रहा था और यह ऊर्जा का एक ऐसा घूमता हुआ भवन था जिसे समझना मुश्किल था। पर चूंकि लियो ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसलिए कई घंटों तक अपने सिस्टम की अंतिम जांच के साथ वो और उसकी टीम वर्म होल में प्रवेश कर गई। यह पहली बार था जब कोई मानव ने वर्म होल के माध्यम से यात्रा को अनुभव किया था। उन सभी लोगों को इस वर्म होल में समय एक साथ खिंचता और सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था और वास्तविकता का ताना बाना उनके चारों ओर विकृत होता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह पूरा नजारा भ्रमित करने वाला था। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। अभी लियो की सांसें काफी तेज थी। कुछ ही समय वो उस दुनिया को साक्षात देखने वाला था जिसे उसके पिता ने किस्सों कहानियों के माध्यम से चित्रित किया था। और जैसे ही वे वर्म होल से बाहर निकले, लियो का दिल तेजी से धड़कने लगा। पृथ्वी का दृश्य व्यू पॉइंट में भर गया, लेकिन यह वह जीवंत नीला ग्रह नहीं था जिसे उसने तस्वीरों में देखा था। इसके बजाय यह अंधेरे में डूबा हुआ एक वीरान ग्रह था जिसकी सतह पर घने बादलों से केवल हल्की रोशनी की झलकें टूट रही थी। महासागर जो कभी जीवन से भरे हुए थे, अब गहरे भूरे रंग के हो गए थे और महाद्वीप गहरी खाड़ियों और दरारों से जख्मी हो गए थे। लियो और उनकी टीम सतह पर उतरी। जो जगह
एक समय पर हरा भरा जंगल हुआ करता था, वो अब एक बंजर भूमि से ज्यादा कुछ नहीं था। हवा में सड़न की गंध थी और जमीन फटी हुई और सूखी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें शहरों के खंडहर मिले जो बहुत पहले ही धूल में मिल चुके थे। गगनचुंबी इमारतें ढह गई थी, उनके स्टील के फ्रेम मुड़े हुए और टूटे हुए थे। सड़कें खरपतवारों से भरी हुई थी और सभ्यता के अवशेष किसी बीते युग के भूले हुए अवशेषों की तरह बिखरे हुए थे। और ये सब देख लियो का दिल डूब गया। यह वह पृथ्वी नहीं थी जिसका वर्णन उसके पिता ने किया था। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे समय और प्रकृति ने तबाह कर दिया था। वह अपने पैतृक घर के निर्देशांक पर गया, इस उम्मीद में कि वह अपने परिवार के अतीत का कुछ निशान पा सके। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे केवल मलबा मिला। जिस घर के बारे में उसके पिता ने बात की थी, उसकी सफेद बाड़ और गुलाब के बगीचों के साथ वह गायब हो गया था। उस जगह पत्थरों का ढेर था जो बेलों और काइयों से भरा हुआ था। लियो खंडहरों के बीच खड़ा था। उसे बहुत ज्यादा नुकसान का एहसास हुआ। जिस धरती का उसने सपना देखा था, वह अब अस्तित्व में नहीं थी। यह उन्हीं शक्तियों द्वारा नष्ट कर दी गई थी जिनके बारे में उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय उपेक्षा ने अपना असर दिखाया था, जिससे पृथ्वी का एक उजाड़ परिदृश्य ही रह गया था जो पहले स्वर्ग जैसा हुआ था। जब टीम ने अपनी खोज जारी रखी तो उन्होंने अपने स्कैनर पर एक हल्का संकेत देखा। यह पहाड़ों के भीतर से आ रहा था, एक ऐसे क्षेत्र में जिसे सुनसान उजाड़ के रूप में चिन्हित किया गया था। उत्सुक होकर लियो ने जांच करने का फैसला किया और फिर उन्होंने जो पाया उसने उन्हें चौंका दिया। पृथ्वी पर बचे हुए लोगों का एक छोटा समूह पहाड़ के किनारे खुदी हुई एक अस्थाई कॉलोनी में रह रही थी। ये लोग उन लोगों के वंशज थे जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर बसने के लिए गए थे। वे अपने पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम होती जा रही थी और वे मुश्किल से टिके हुए थे। जब लियो ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो कहां से आया है तो बचे हुए लोग दंग रह गए। उन्होंने प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के पलायन की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसने यह यात्रा की थी। लियो जानता था कि वह उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। अपने पास मौजूद उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए उसने अपनी टीम के साथ मिलकर बचे हुए लोगों को वर्म होल के माध्यम से यात्रा के लिए तैयार किया। यह एक जोखिम भरा ऑपरेशन था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पृथ्वी अब ऐसी जगह नहीं थी जहां जीवन पनप सकता था। उनके लिए अपने पैतृक घर को पीछे छोड़ने और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर नए सिरे से शुरुआत करने का समय आ गया था। वापसी की यात्रा तनाव से भरी हुई थी। वर्म होल अप्रत्याशित था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे सुरक्षित वापस आ जाएंगे, लेकिन लियो बचे हुए लोगों को सुरक्षित लाने के लिए दृढ़ था। जैसे ही वे वर्म होल में प्रवेश करते हैं, उनके चारों ओर समय के घूमने की परिचित अनुभूति वापस आ जाती है। लियो को लगा कि बस कुछ ही मिनट बीते हैं, लेकिन उसे पता था कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर सालों बीत सकते थे। जब वे वर्म होल से बाहर निकले तो लियो को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के परिचित परिदृश्य को देखकर राहत मिली, लेकिन कुछ अलग था। दुनिया सूक्ष्म तरीकों से बदल गई थी, नए शहर उभर आए थे और लोग अपनी तकनीक में और भी आगे बढ़ गए थे। यह स्पष्ट था कि समय बीत गया था, लेकिन कितना अनिश्चित था।
जब लियो और बचे हुए लोग अंतरिक्ष यान से उतरे तो वे लोगों की भीड़ से मिले जो उनकी वापसी को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनमें से वैज्ञानिक और इतिहासकार थे जो खोई हुई पृथ्वी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। लियो को उपलब्धि का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही गहरा दुख भी हुआ। उसने पृथ्वी पर लौटने का अपना सपना पूरा कर लिया था, लेकिन वास्तविकता उसकी कल्पना से बहुत अलग थी। लियो की पृथ्वी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, पर अभी भी पृथ्वी को देखने को उसकी यह जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। वो अभी भी उस पृथ्वी के दीदार से काफी दूर रह गया था जो एक समय पर उसके पिता कहानियों में सुनाया करते थे, और इसलिए वो किसी ऐसी तकनीक की तलाश में लग गया जो उसे पृथ्वी पर उस समय पर ले जा सके जब वहाँ कुछ खूबसूरत हुआ करता था। और ऐसी बस एक ही तकनीक थी, टाइम मशीन। ज्ञान के साथ ये दम।